हेलो दोस्तों, हाय। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बीबी मिश्रा, मैं यूट्यूब चैनल पे भी 000 में आप लोग का ढेर सारा प्यार की जरूरत है हमें दोस्तों। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहे। और हमारे पानी वाले भाई आए हैं गली में, और जो कि मुझे ना पानी लेना है, तो मैं जा रही हूँ नीचे, कैन को डाल के आ जाऊँगी और भैया वो डाल के चले जाएंगे। और बाकी अभी एक बाल्टी पानी है, फुल है, तो ले लेने में ठीक रहता है ना। तो इसीलिए अभी देख सकते हैं मैंने ये फुल बाल्टी कर रखी हूँ, ये देखिए। तो इसको रखने देते, ढक देते हैं एक बार, और ना पहले नीचे जाके हम उनको दे आते हैं कैन को, क्योंकि पानी तो जरूरत पड़ता है ना। वैसे भी ठंड थी ना, तो एक दिन बीच करके ही लेना पड़ता था, खर्च नहीं होता है दोस्तों, तो इस वजह से। और खासकर हमारे घर में दाल चावल बनता है ना रोज, तो उसमें ना पानी बहुत लगता है। और चावल हम कुकर में नहीं बनाते हैं, हमारा चावल बनता है खुला पतीले में दोस्तों। तो मैं कैन लेके आ गई हूँ, एक बार गेट खोलते हैं। भैया दे देंगे, मैं नीचे रख के चली जाऊँगी। लाइट के देखिए ना, दिवाली मना रखे लोगों ने इतने सारे लाइट। तो भैया डाल के चले गए हैं पानी दोस्तों, ये देखिए। और देख सकते हैं जा रहे हैं भैया, पानी वाले भैया गए। हमें इसको अंदर करना पड़ेगा दोस्तों पानी को एक बार। गेट को कर देते हैं, कुंडी नहीं लगाएंगे, मेरा बेटा आने वाला है दोस्तों, तो इसलिए ना छोड़ देते हैं को खुला हुआ। इधर पानी को रख देते हैं, ये देखिए यहाँ पे रख दिए हैं। और मेरा लड़का आएगा ना तो ऊपर ले जाएगा, क्योंकि मैं तो भारी उठाती नहीं हूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा लाइट बंद कर देते हैं, बहुत सारी लाइट जल रखी है यहाँ नीचे की। बच्चे बच्चे जला के चले जाते हैं ना, ध्यान नहीं रखते हैं ना, इसलिए। पानी ले लिए ना तो टेंशन नहीं है, अब शाम को ना कोई ऊपर ले आएगा, मेरे हस्बैंड जी ले आएंगे या तो मेरे बच्चे ले आएंगे दोस्तों। वैसे जीना पे चढ़ने से ना थकान हो जाती है। और अभी ना मेरा लड़का सो रहा है, छोटा वाला, बड़ा तो गया है कहीं पे दोस्तों के साथ, और छोटा वाला लड़का सो रहा है दोस्तों, इधर इधर सो रहा है, उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहे। अभी हम बोलेंगे नहीं, ये उठ रहा है बार बार दोस्तों। आपको पता है क्या, देखिए मेरा बेटा ने पेन बॉक्स बनाया है, दोनों ने मिल के पेन रखने के लिए। ये देखिए अच्छा है ना बच्चे का, तो देखिए कितना टॉप का बना रखा है। सो रहा है, सोने देते हैं उसको, आप लोग कंटिन्यू। लाइट ऑफ कर देते हैं ना एक बार तो सो जाएगा, अंधेरा करती है ना तो नींद नहीं खुलेगी। अब हम जा रहे हैं अपने बाहर कुछ कुछ काम करने, उसको छोड़ देते हैं सोते हुए, और मैं तब तक अपना कुछ काम कर लेती हूँ, है ना फ्रेंड्स। और आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहे। आज ना बारिश जैसे मौसम है, शायद बारिश आएगी मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि धूप उप नहीं है कुछ भी, मतलब कि कभी आती है कभी जाती है धूप, तो ऐसा कुछ मौसम है, बिल्कुल ही अजीब सा मतलब है। इधर देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा धूप नहीं है। हमारा तो बाथरूम का लाइट भी जल रहा है, जीने का लाइट भी जल रहा है, देख सकते हैं ऐसे हो रहा है हमारे घर में तो। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं मैं अभी कहाँ बैठी हूँ, आप लोगों को पता है क्या, मैं बाथरूम के गेट पे बैठी हूँ, और फ़ोन जो लगा रखी हूँ अभी बाथरूम के गेट के टच करके ही लगा रखी हूँ। और बालकोनी है ये, तो हमारे इधर ग्रिल और इधर के साइड में है घर, तो मैं वही बालकोनी और बाथरूम के बीचों बीच बैठी हूँ। मैं पता है क्या करने आई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ क्या करने आई हूँ। फालतू का काम, फालतू का नहीं, अच्छा ही काम होता है कुछ भी। और देख सकते हैं ये निकल रहा है थैला, देख रहे हैं ना, ये तो थैला है ही, और ये भी है थैला। और देखेंगे इसको क्या करना है, और वीडियो के साथ आप लोग बने रहे तो मैं बताती हूँ इसकी कहानी आप लोगों को,
ये देखिए टूटा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये फटा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, चला इधर से फटा हुआ दिख रहा है आपको, देख रहे हैं ना। और ये थैला देखिए, इसको भी ये टूट रखा है ना। अब ये दोनों थैला है, और इसके राज आप लोग जानते हैं क्या हुआ है सब। ये ना हमारे हस्बैंड जी है ना, उनके बहुत अच्छे एक दोस्त है जो कि छोटा भाई की तरह है, और ये बड़ा भाई की तरह इनको मानते हैं। तो उनका भी स्टील का काम है, तो अक्सर उनके दुकान उकान पर जाते रहते हैं, बैठते रहते हैं, तो वहाँ रहते वगैरह है ना। तो सामान सामान वाला है ऐसे ही, तो कुछ काम चर्चा चलता था तो वो रोज़ बोलते थे कि थैला फटा हुआ, थैला फटा हुआ है। कई दिन सुन रहे थे मेरे हस्बैंड जी। तो रात को भी आए दुकान पे ना, तो वो बोलने लग गए जो यार सामान ले जाना है, थैला फटा हुआ है। फिर ना रात को क्या किए मेरे हस्बैंड जी ना, गुस्सा हो गया और दोनों थैला को उठा लिए। बोले क्या तुम दो थैला, हम घर से सिलवा के लाते हैं एक बार। तो क्या किए हैं मेरे हस्बैंड जी, रात को दोनों थैला उठा के घर पे ले आए हैं। बोले क्या बेबी एक बार सिल देना इसको, रोज़ रोज़ वो बोलते हैं थैला फट गया, थैला फट गया, थैला फट गया। मैं बोली किसी टेलर के पास लेके जाते, वो 10-20 रुपये लेते और इसको सिलाई चला देते, लेकिन कुछ नहीं, वो सब सुनते उनते हैं। और पता नहीं इतने मोटे ये थैले होते हैं ना, ये इस पर सुई भी चलना मुश्किल लग रहा है और गंदा भी है। वैसे ना इससे पहले कुछ सामान लेके आए थे ना, तो एक डंडी टूटा हुआ था तो मैंने उसको लगा दी थी। मैं बोली ला ये लगा देती हूँ, किसी का है तो काम आ जाएगा। लेकिन इसका देखे दोनों थैला, ये कैसे सिलूंगी मैं, इतना ज़्यादा फटा हुआ है, ये तो मुश्किल लग रहा है। ऐसे ऐसे होता है अन्याय हमारे ऊपर, बताइए दोस्तों। या तो मैं खुद ले जाऊंगी टेलर के पास तो सिल देंगे, पर अभी नहीं जाऊंगी, कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा सा अपने सिलने की, अगर सिल जाए तो। हाँ ये देख सके, रील का डिब्बा ही लाई हुई मैं पूरा उठा के, और अगर इसके कलर का रील मिल जाएगा तो ये मिल गया, पीला है ना, तो ये वाला से देखिए पूरा डब्बा ही लाई हूँ। ये देख सकते हैं पूरा डब्बा में रील भरा हुआ है, और ये भी रील इतना सारा इसलिए है क्योंकि मैं सिलाई सीखती थी ना, तो खरीद के रख रखती हूँ ये सारे, देख सकते हैं। तो इसको करिए बंद, रखते हैं और इसको देखते हैं सिल सके, अगर सिल गया तो ठीक है। वैसे जब लाए हैं तो कोशिश तो करूँगी सिलने की, थोड़ी बहुत तो सिल दूँगी ज़रूर। ताकि वो जो बोल के लाए हैं जो लाओ मैं घर से सिलवा के लाता हूँ, तो नहीं लेके जाएंगे तो इनकी और इंसल्ट होगी, बेइज्जती होंगी, तो उनको तो हमें बचानी पड़ेंगी उनकी इज्जत को। चाहे थोड़ा सा ही सिल के दे दूँ मैं, लेकिन मैं सिल के दूँगी। उठ गया बेटा, मेरा लड़का उठ गया है दोस्तों, और खाना खाएगा। अचार है वहाँ पे, ठीक है अचार ले लेना। चलिए इसको तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, तो आप लोग ना हमारे वीडियो के साथ बने रहे, और मैं ना एक बार उसको देख लेती हूँ। ये सिलने में काफ़ी 15-20 मिनट लगेगा दोस्तों, ये थैला को समझ सकते हैं, इसमें सुई ना घुसने वाले नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों, बिल्कुल भी। और देख सकते हैं ये बाथरूम का गेट, यहीं पर मैं लगा रखती थी फोन। और देखिए इधर गैलरी, इधर मैं गैलरी में बैठी हूँ। यार बाबरे देख सकते हैं, पहले ना उसको खाना ही दे देती हूँ मैं, वो उठ गया है ना मेरा लड़का, तो इसलिए गर्म कर दिए, तो मैं करती हूँ रखो। नहीं नहीं ठंडा नहीं खाना है, बेकार लगेंगे। खोल इसको खोलो दोस्तों। आज ना हम आलू के परांठे बनाए थे, और सुबह में तो बना लिए थे, तो अब ना बना के रख रखी थी, तो मैं गैस पर उसको गर्म करके एक बार दे देती हूँ। जल खोलें एक बार, ले पकड़ कर दो, आम का अचार और आलू का परांठा, देख सकते हैं गर्मा गर्म। अब इसको ना गर्म कर देते, थोड़ा सा ठंडा हो गया तो बर्नल पे ना गर्म कर लेगा ये, तो ठीक रहेगा। आलू के पराठे काफ़ी ज़्यादा अच्छे, ये रहा। तो दोस्तों उसको दे दिए हैं खाना गर्म करके, थोड़ा सा पानी दे देते हैं पीने के लिए। लो चलिए दोस्तों, तो फिर बाबा आए। अगर ये छोटी सी वीडियो, छोटी सी ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना आप लोग, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे करना आप लोग और प्यार की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है दोस्तों, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में आप लोगों से दोस्तों। तो बाबा खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहिए।